जाना मेरे घर पे आज बनने वाला है सत्तू का लिट्टी, देखते हैं कैसा बनता है। वैसे भी हमारे बिहार में फेमस है काफी लिट्टी चोखा, तो आज चलिए लिट्टी कैसे बनता है और उसको खाने का हम लोग बताएंगे कैसा लगता है। आप लोग भी वीडियो में आगे बने रहिए। कबाबी लिट्टी दे दिया, रसन भैया को मिल गया चोखा, चलिए खाते हैं चोखा के साथ। वेलकम टू माई चैनल नवीन कृषाल ब्लॉग। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग जाना है मेरे घर पे, आज बनने वाला है सत्तू का लिट्टी, देखते हैं कैसा बनता है। वैसे भी हमारे बिहार में फेमस है काफ़ी लिट्टी चोखा, तो आज लिट्टी चोखा का ही समझिए छोटा सा पार्टी होने वाला है। छोटी आटा सान चुकी है, देख सकते हैं ये आटा सान चुका है। अभी इसमें क्या समय दम पड़ेगा वो सब तैयार किया जा रहा है। इधर देख सकते हो आप लोग, प्याज मिर्च लहसुन धनिया पत्ता, धनिया इसी को चलाना पड़ेगा। और यहाँ से भी है अभी धनिया पत्ता लहसुन सब काटा जा रहा है। और यहाँ छोटी ये कालो माता हम लोग इसको बुलाते हैं, इसका चेहरा एक्सपोज कर सकते हैं, देखिए कैसे देख रही है वीडियो में आके। और अभी ये क्या लहसुन छील रही है, तो चलिए ये सब जब कट जाता है उसके बाद देखते हैं आगे का। और यहाँ पे भैया बैठ के चुपचाप आराम से मोबाइल चला रहे हैं, इनको कोई काम धाम है नहीं, आए हैं ड्यूटी पर से उठ के अभी आराम से, पैसा दे दिए सत्तू ले आओ, लेकिन ये नहीं कि हेल्प करेंगे यहाँ बैठ के। प्याज को छील लिए, मतलब भाभी प्याज छील चुकी हैं पहले से, उसी को बोल रहे प्याज को छील चुके हैं। तो फुल HD आग का व्यवस्था किया गया है, इसी प्याज हम लोग पकाने वाले हैं लिट्टी और चोखा, आज इसी का खाना हम लोग खाएंगे। आज चूल्हा बंद है, गैस ख़त्म नहीं है, फिर भी हम लोग पैसा बचा रहे हैं लिट्टी चोखा खाने के बहाने, इसी बहाने पार्टी भी हो जाएगा छोटा मोटा। तो चलिए आग थोड़ा बंद होगा, अंदर वाला लाल लाल जलेगा, उसमें हम लोग लिट्टी चोखा बनाएंगे, भून के खाएंगे। तो मिलते हैं जब बनेगा उस टाइम वीडियो के आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग का प्लान हो गया है बैगन का चोखा लिट्टी खाने का। तो अभी बैगन का चोखा फुआ चोखा की तैयारी कर रही है भरता बनाने का, उसको देखिए किस हिसाब से काट रही है। बैगन को बीच से चीर के चाकू से उसके अंदर लहसुन और प्याज का पोट डाल दिया गया है। यहाँ पे बैगन दे दिया गया है, बैगन दे दिया है, इसमें चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके सब कुछ मात्रा में देखिए अंदर में मिर्च लहसुन घुसा दिया सब कुछ। चलो इसको पकने देते हैं, पकने के बाद दिखाएंगे कैसा है, ऐसे नहीं खाना है। ये रहा बैगन दुगो, एगो नीचे है, यहाँ पे बन रहा है, ये हो रहा है बैगन का भरता की तैयारी। और ये हैं हमारे महारथी मिस्टर मणि कुमार जो जरने की व्यवस्था कर रहे हैं, लकड़ी का व्यवस्था कर रहे हैं, लड़की का नहीं लकड़ी जलावन का व्यवस्था कर रहे हैं। रात में लिट्टी चोखा का प्रोग्राम है। ये बैगन जल गया, बचा के धड़कता हुआ आग, धड़कता हुआ। दिस इज लिट्टी चोखा स्पेशल बिहारी फ्रॉम बिहार, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा तैयारी चल रहा है। बैगन गर्म हो चुका है, इसको हम लोग अच्छे से गूंदेंगे ऐसे जैसे जैसे गूंदेंगे। देखिए खाने के लिए दोनों जाए, मेहनत करो बैगन छिलो तुम लोग। यहाँ पे भाभी अपना वो कच पे पता नहीं अदरक छील रही है, लग रहा है सबका पेट लहरने वाला है, इतना गर्म होगा आदि से। तो बनाने का एक तरीका इतना मस्त स्पाइसी याद लगता है, खाने में मज़ा आएगा रात में। दोस्तों अभी इसमें टमाटर भी हम लोग देंगे, इसके लिए अभी हम लोग टमाटर को आग में डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा पकाएंगे, लग रहा है लजीज बनने वाला है खाना, काफ़ी स्पाइसी टेस्टी रहेगा। देख सकते हो टमाटर, ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा नज़दीक, नहीं तो मेरा कैमरा पिघल जाएगा। ऊपर से ही देख लीजिए आप लोग, जूम कर देते हैं। अभी हम लोग का यहाँ पे टमाटर बैगन निकाला जा चुका है आग से, एक मिनट अब इसको बनाया जाएगा। तो दोस्तों चोखा बनाते बनाते रात हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आटा साना जा चुका है, और ये देखिए इसमें सत्तू भर के रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे भर रही है ये सत्तू को। सत्तू में काफी कुछ आइटम मिलाया गया है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। देखिए ये आटे का लई बना के कैसे उसमें सत्तू भर रही है, और फिर उसे गोल गोल करके बंद कर दे रही है उसके मुँह को, फिर ऐसे हाथों पे हथेलियों पे दबा के उसे एक जगह कागज में रख दिया जा रहा है। तो दोस्तों इधर देख सकते हो आप लोग, इधर भैया अपना बनाने में लगे हुए हैं, ये पहली बार इसलिए थोड़ा हल्का जल गया है, लेकिन देख सकते हो कितने अच्छे से बना रहे हैं। आग पे एक चाली टाइप का बर्तन रखा हुआ है और उसी पे ये बना रहे हैं। ये बन चुका है ना, इन्हें भी आधा इस साइड से कच्चा लग रहा है।
ऐसे आधा तोड़िए, आधा आधा ठीक है ना, हम भी खाते हैं। तभी भैया टेस्ट करेंगे, इधर मैं भी टेस्ट करता हूँ। काम हो जाए बेटा, मुझे कैसा लगा भैया? बढ़िया, यहाँ पे किसको कितना लिट्टी मिलना चाहिए उस पे जाके अभी डिस्कशन चल रहा है। तो अभी देखिए ठूस के भरने के लिए, मतलब वो जो उसका लई टाइप से बनता है गोल गोल, उसमें जितना लिट्टी भरा जा सके उस हिसाब से। वो लड़की वो जो बैठी है वो कंजूसी कर रही है, कालो बहन कंजूस कहो, कैसे देख रही है? तो देख सकते हो ये पूरा कितना मस्त लग रहा है देखने से चोखा, और ये पूरा एक टिक्ची बना हुआ है। लिट्टी पूरा अंदर में करीब 70 हो गया, 60-70 पीस होगा नीचे, और ये ऊपर बैगन का चोखा बना हुआ भरता। चलिए इसे ढक देते हैं। अभी मैंने प्लेट ले लिया है खाने का तैयारी। ये रसन भैया को मिल गया हमको बाबी लिट्टी दे दिया, रसन भैया को मिल गया चोखा, अभी मिला हमको बैगन का भरता। प्लेट इतना बड़ा लिया, लिट्टी हमको दो हो गया। खाते हैं चोखा के साथ। हिमांशु कैसा बना? सोचे कि बहुत मेहनत लगा है खाने के लिए, गबर गबर खा रहा है, बना है यार। इतना मेहनत से बना है, हाँ। कैसे कैसे प्लानिंग हुआ है, क्या क्या हुआ है? सारी नहीं उठा, हाँ। उठा के गर्म से बोलो कैसा लगा, लग रहा कि टीका है खाने बनाया ना? अच्छा, साधु का भी धारण किया लेकिन लहसुन प्याज वाला सामान सब खा रहा है। ये पूछ रहा है, शर्मा भाई आपको कैसा लगा मोबाइल? अभी अपना खाना अपना बनाए, बहुत अच्छा। जो बनाता है वो खराब बनाता है। हम खाली टुकुर टुकुर मुँह देखे और खा रहे हैं, मजा आ रहा है। पेट तक मदान किया खाने के लिए, भाभी अभी परस रहे, भाभी तो बाद में खाएंगे। तो इन सब का अभी नहीं बता पाएंगे, ये लोग क्या बोलेंगे खाने के बाद। ये मेरा है, मैं इसको खा रहा हूँ। अब कैसा है? ठीक है। खा लेना चोखा में तो, आप लोगों फिर घर जाएगा भाभी। हम लगता है कि समझ गए कि इसे खाए हम का, हम इसके अलावा हम लेंगे उतना गिनती करके तो जाओ, मतलब इसलिए नहीं हम प्लेट में खाएंगे। अभी केला पत्ता पर शुद्ध भोजन लेवा दुआ खा रहे हैं, ऐसे ही गिनती में नहीं आएगा ना। मानसु भी हंसा केला पत्ता का नाम सुनकर। ढोडो वाली गए, ढोडो वाली ए ढोडो, प्याज वाला तू केने खाई छी गए? तू खा, तू कहां से खागा प्याज? गया ढोडो वाली केने खाई छी? ये है हमारा होटल, और यहां हो रही है हमारी पार्टी, पार्टी हो रही है पार्टी। दोस्तों नया साल का पार्टी आज हम लोग मना रहे हैं, करीब 18 दिन के बाद 1 जनवरी का, 18 जनवरी को हम लोग सबको मिल के एक जगह घर में बैठ के पार्टी मना रहे हैं। ये मेरा बर्थडे वाला पार्टी है 1 जनवरी का, मैं यहाँ पे नहीं था, नहीं दे सका, कभी पैसा सब मिला है, हम अपना पेट मिला है, इससे बड़ा पार्टी क्या हो सकता है। तो भाई कल मैं रात को बहुत जल्दी खा पी के सटक लिया यहाँ से, क्योंकि ठंड बहुत लग रहा था, इसलिए मैं आगे का वीडियो नहीं बना सका। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा छोटा सा पार्टी कैसा लगा आप लोगों को, लिट्टी चोखा का जो कि बिहार का फेमस खाना है, नाश्ता जो भी कहिए आप लोग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।